दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। जी हाँ, जिस प्लांट को आप देख रहे हैं ये बहुत खूबसूरत है। जब भी आप नर्सरी जाएंगे तो ये प्लांट अपने आप सभी लोगों को आकर्षित करता है और आप वहाँ से बिना इस पौधे को लिए हुए नहीं आ पाते हैं। इसकी पत्तियों का फॉयलेज हरे रंग, हरा, सफ़ेद, लाल और पीछे से ये डार्क कलर का रेड बहुत ही खूबसूरत है और हमें अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करता है। जितना ये आकर्षित करता है उतना ही ज़्यादा ये डेलिकेट है। इस पौधे को सामान्यतः बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, इसको लगाने के लिए हमेशा लाते हैं, कुछ दिनों में ये नहीं चल पाता है। दोस्तों पहले की आपको थोड़ी सी इसकी बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, तभी आप इस पौधे को लगाएं। ये पौधा ब्राज़ील वगैरह के जंगलों में पाया जाता है। सामान्यतः इसको ऐसे समझिए कि ये जंगलों में पेड़ों के नीचे उगता है और वहाँ का न्यूट्रिशन इसको मिलता है, यानी इसके बस सनलाइट नहीं पड़ती है। सनलाइट यानी इसको डार्क पसंद है और इसको जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो सब जो जंगल में या जंगलों में न्यूट्रिशन है, पत्तियों की खाद, सड़ी हुई, गली हुई, वो सब चीज़ें ही इसको पसंद हैं। और हम इसको अगर केमिकल खाद देंगे तो ये चल नहीं पाता है, सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा, इसको कभी भी पानी पसंद नहीं है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसको। जब भी आप इसको लगाएं तो ऐसे मिट्टी में लगाएं कि वहाँ से पानी तुरंत निकल जाए, यानी कि कम से कम आप इसमें 30% जो है मोरंग का प्रयोग करें, 30% मोरंग का प्रयोग करें और पत्तियों की सड़ी खाद कम से कम 30% प्रयोग करें और 15-20% आप उसमें मिट्टी का प्रयोग करें और 2-3% आप नीम खली का प्रयोग करें और ऑर्गेनिक खाद इसको दें। दोस्तों ये बहुत हाई न्यूट्रिशन वाला पौधा है, यानी इसको फीडिंग बहुत चाहिए क्योंकि इसकी जो ये वेरिगेशन है, जो ये वेरिगेटेड लीव्स हैं, कलर है, इसको बनाने में इसको बहुत एनर्जी चाहिए होती है। और इसका पीछे का पत्ता देखिए एकदम डार्क, तो ये अनायास ही आपको देखिए क्या फॉयलेज है इसका। पत्तियों की जो चमक है, पत्तियों का कलर है, ये अनायास ही आपको खींचता रहता है। तो लेकिन ये पौधा सबको आकर्षित करता है, लेकिन सामान्यतः लोग इसको लगाने के बाद जल्दी बचा नहीं पाते, खासकर एक्सट्रीम जाड़ा में, क्योंकि तो जहाँ पर ये पैदा होते हैं वहाँ पर जाड़ा नहीं होता है, तो ये जाड़े में हमको बहुत केयर करनी पड़ती है। यानी ऐसी रखें जहाँ सनलाइट आए और हल्की सनलाइट हो, हल्की सनलाइट हो, ये भी ध्यान रखिए, जाड़ों में भी हल्की सनलाइट हो। और इसको ठंड से बचाएं तो ऐसी जगह रखें जहाँ ठंड ना हो या शेड हो और धूप भी रहे, हल्की सी हल्की रहे, ये भी ध्यान रखिएगा पूरी तरह से, अगर ज़्यादा होगी तो पत्तियाँ बर्न कर जाएंगी। इस तरह से इसको आपको बचाना होगा और एक्सट्रीम जाड़े में। और आप एक चीज़ देखिए कि इसमें अगर आप इसको कोई रोग लगता है, यानी इसकी पत्तियाँ फोल्ड होने लगती हैं वैसे, या कोई कारण दिखाई देता है पत्तियाँ बर्न होने लगती, आप समझ जाइए कि आपका पौधा बीमार है और उन परिस्थितियों में आपको इसको कोई ना कोई ट्रीटमेंट करना होगा, या तो पानी ज़्यादा हो जाएगा या आपने सन में ज़्यादा रख दिया है। इसको आप जब भी देखें कि ये पौधा की एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये घने जंगलों में और पेड़ों के नीचे उगता है, तो जहाँ पर सामान्यतः अंधेरा रहता है, तो आपको जब भी आप इसकी पत्तियाँ फोल्ड होने लगें तो आप समझ जाइए कि आपने इसको रात में नहीं, या ऐसी जगह रखा है जहाँ पर सनलाइट आ रही है या जहाँ पर रात में भी बल्ब जल रहा है, यानी कि इस लाइट आ रही, लाइट की वजह से इसकी पत्तियाँ जो हैं फोल्ड होने लगेंगी। तो आपको इसको डार्क चाहिए बिल्कुल, अगर आप वेरिगेशन चाहिए पत्तियों का इस तरह चमकदार कलर चाहिए तो वेरिगेशन चाहिए, तो आपको इसको कम से कम पूर्णतः रात में जब ये रहे तो पूर्णतः अंधेरा रहे, ऐसा किसी स्ट्रीट लाइट या घर की लाइट जल रही हो वहाँ पर इसको कतई ना रखें। ये इसकी केयरिंग है। अब आप इसको किसी भी पॉट में लगाएं, हमने इसके लिए मिट्टी का छोटा पॉट सेलेक्ट किया, ये वाला इसमें लगाऊंगा और हमने मिट्टी बनाने के लिए मोरंग में हमने पत्तियों खाद मिलाएंगे और उस तरह बनाएंगे। चलिए आप देखते हैं हम कैसे इसको। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। अब इसको करते हैं रिपोर्ट। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट था ट्राई स्टार नाम से है इसका पौधा। ये बहुत आकर्षित करता है, जब भी हम जाते हैं तो लेने की इच्छा करती थी, तो अब इसको ले लिया गया है। और लेकिन इसको बहुत डेलिकेट पौधा है, बहुत ध्यान से लगाना है। इसके लिए हमने ये जो मिट्टी सेलेक्ट की है, ये करीब करीब 30% इसमें हमने मोरंग डाली है और थोड़ी सी इसमें पत्तियों की सड़ी खाद। इसको रिच चाहिए थोड़ा सा न्यूट्रिशन, और साथ में हमने एकदम नई मिट्टी
हमने डाली है और इस प्रकार से हमने इसको बनाया है। मतलब ये है कि हमारा पौधा जो है पानी बिल्कुल भी ठहरना नहीं चाहिए, तभी ये पौधा जीवित बचेगा। अगर आपका पौधा ज़्यादा पोरस नहीं होगी, यानी इसमें पानी बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए, तभी आपका पौधा ये बच पाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इस पौधे को लगाने के लिए देखिए, इसको आराम से हम निकाल लेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसमें हम डालेंगे, ये फंगीसाइड हमारे पास है, ये है थायोफाइनेट मिथाइल सिस्टमेटिक फंगीसाइड। ये हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा, करीब 1/4 चम्मच। बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मिट्टी बहुत कम है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत तेज़ वाला फंगीसाइड है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सीवीड। देखिए ये बहुत हाई न्यूट्रिशन इसको चाहिए, तो हम सीवीड के थोड़े से दाने डाल देंगे। ये ऑर्गेनिक, इसको कोई भी केमिकल मत दीजिए दोस्तों। केमिकल देंगे तो पौधा नहीं चलेगा। और साथ में इसको हम थोड़ा सा देंगे ये पोटास, पोटास भी आधा चम्मच करीब, ऑर्गेनिक खाद। और थोड़ी सी बोन मील, ये बोन मील डालना ना भूले। बस इतना न्यूट्रिशन देंगे इसको और इसको हम सब मिला लेंगे। बस इसको हम ऐसे रख दें। देखिए ये हमारा, इसको हम इससे निकाल लेंगे और इसको हम इसमें लगा देंगे। देखिए दोस्तों, इसकी खूबसूरती देख रहे हैं आप। जैसे ही ये इसमें लगेगा वैसे ही बढ़िया तरीके से चलेगा। और हम इसमें 4-5 दाने DAP ऑर्गेनिक के डाल देंगे, जिससे कि ये प्रॉपरली जो है ये है। तो बढ़िया ये रिपोर्ट हो गया। और बस अब इसको हम 5 दिन के लिए शेड में रखेंगे। दोस्तों इसको प्रोपगेशन बड़ा आसान है। इसमें जो ये पौधा जब बड़ा थोड़ा हो जाए तो साइड में जो ये निकलती रहती हैं शूट, इनको आप अलग करके प्रोपगेट कर सकते हैं। यही एक तरीका है। ये अपने सुंदर पत्तियों के लिए जाना जाता है और ही बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप ज़रूर देखते रहें राम की बगिया यूट्यूब चैनल, और लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। ये पौधा अनायास ही आपको अपनी तरफ खींचता है। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियाँ, इसका फॉयलेज, इसका रंग, इसके पीछे का कलर, ये सभी आपको आकर्षित करता है। लेकिन जितना ही आकर्षण इसमें ज़्यादा है उतना ही ये डेलिकेट है। इसको बचाना खासकर सर्दियों में बहुत कठिन होता है, इसलिए जब भी इसको लगाइए तो बिल्कुल ही ऐसी मिट्टी में जहाँ पानी का जमावड़ा ना हो, फंगीसाइड का प्रयोग करते रहें। अगर शाम को इसकी पत्तियाँ फोल्ड होने लगती हैं, ये ध्यान रखिएगा, तभी समझिए आपका पौधा प्रॉपरली चल रहा है। अगर शाम को पत्तियाँ फोल्ड ना हो तो आप समझ लीजिए आपका पौधे में कोई बीमारी लग चुकी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस पौधे को अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसकी ज़बरदस्त खूबसूरती है, बहुत बढ़िया। इस पौधे को ज़रूर अपने गार्डन में जगह दें और केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत ही सुंदर और अच्छा पौधा है। धन्यवाद दोस्तों।